प्रचंड गर्मी से लोग पहले ही परेशान हैं और इस भीषण गर्मी में लोगों को अगर राहत देता है तो वो एक बूंद पानी की, लेकिन अगर वो भी पानी मयस्सर ना हो तो फिर स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। इस समय हम गोरखपुर के काली मंदिर जो है गली उसमें मौजूद है। अगल बगल की आप जो दुकानें देखेंगे चारों तरफ आपको दुकानें नजर आएंगी और उस पूरे इतने तकरीबन सैकड़ों दुकानों के बीच में सिर्फ एक ये सरकारी हैंडपंप है, लेकिन ये भी पूरी तरीके से दम तोड़ चुका है, यानी गर्मी के आगे ये भी बेबस हो चुका है। और मैं इसे चलाऊंगा, आप देखेंगे कि कम से कम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, लगभग कितनी भी हाथ मारूंगा लेकिन ये पानी का एक बूंद भी आपको इसमें से आता हुआ नजर नहीं आएगा। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि गर्मी के हालात क्या है और यहाँ के दुकानदार किस तरीके से रहते होंगे। अगर वो पैसा देकर के पानी न खरीदे तो शायद उन्हें पानी भी नसीब नहीं होगा। हम इन लोग से ही बात करते हैं, कब से ये खराब है, क्या आप लोग शिकायत नहीं करते क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और ऐसे में इसी पे आप लोग डिपेंडेंट है? नहीं, इसके संबंध में मैंने जो है उनका ऑनलाइन पोर्टल जो जन सुनवाई पोर्टल है उस पर 31 मार्च को मैंने शिकायत दर्ज किया हुआ है। उसको जब भी मैं ट्रैक करता हूँ तो वो लंबी दिखाता है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बार हमारे मकान मालिक साहब जो है जेई साहब से पर्सनली मिल करके शिकायत किए तो एक आदमी को भेजा उन्होंने, इसमें से वो पांच लगभग 50 फीट का पाइप पड़ा हुआ है जिसमें से तीन पाइप फूटा हुआ है, छेद है। वो आया देखा फिर एज इट इज डाल के वो चला गया कि ये बगैर पाइप बदले नहीं होगा। जेई साहब से बात करने पर कहते हैं आज हो जाएगा कल हो जाएगा, लेकिन इसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले पता चला कि ये चल रहा था, पानी दे रहा था, फिर स्थिति ऐसे हो गई, फिर इसी तरह पहले भी इस तरह हुआ है? ये पानी ना दे तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जिस तरह का पानी इस हैंडपाइप से निकलता है तो वो तो एकदम ऐसा हैंडपाइप होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर आमतौर पे मैंने देखा है कि मजदूर रिक्शे वाले रुक करके इसका पानी पी लेते हैं, जब तक हम मना करते हैं तब तक वो पानी कभी जब चलता था तो पी लेते हैं। और इतना गंदा पानी है कि अगर इसको बोतल में रख दिया जाए तो वो आधे घंटे के अंदर इतना पीला, इतना गंदा मटमैला हो जाता है कि इंसान तो क्या जानवर भी ऐसा पानी हम तो नहीं कहेंगे पीना चाहिए। क्या लग रहा है ये अभी कितने दिनों से बंद है, चलता था कि नहीं? ये पहले चलता था, अभी एक हफ्ता पहले बना था, फिर खराब हो गया। पता नहीं किस हिसाब से बन रहा है कि मतलब बार बार खराब हो जा रहा है। इसकी अंदर की पाइप भी फटी है तो ये मतलब पीने योग्य तो है ही नहीं ये पंप। इतनी दुकानें यहाँ है, आप लोग इसी पे डिपेंडेंट है, तमाम पानी की जरूरत पड़ती होगी तो कैसे आप लोग काम चला? बस जो बाहर से पानी खरीद कर जो आता है उसी से हम लोग काम चलाया जा रहा है। क्या नहीं लग रहा है कि आपको लाखों रुपए बजट नगर निगम जलकल को दिए जाते हैं और स्थिति यहाँ पे क्या होती है? सब अधिकारी भ्रष्ट हैं, सीधी सी बात है। सरकार का प्लान जो है यहाँ भी हैंडपंप ये गड़बड़ है उनको बनाया जा रही। एक तत्काल सर्वे हुआ था जिसमें 4132 हैंडपंप है इस तरह के, जिसमें से 36 की 40 हैंडपंप शहर के बिगड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी जो है कान में भी डाल के बैठे हुए हैं। हम टेलीफोन भी किए उनकी, बन जाएगा लेकिन अभी तक इस पर जो है हाथ नहीं लगा। यानी स्थिति क्या है आप समझ सकते हैं कि फाइलों में तो सब कुछ मेंटेन और सही नजर आता है, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पे पहुंच के हालात का जायजा लिया जाता है तो इसी तरीके के हैंडपंप दम तोड़ते हुए नजर आते हैं और लोग परेशान और बेहाल रहते हैं इस भीषण गर्मी में, एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अब ऐसे में नगर आयुक्त की अगर बात करें तो उनसे भी बातचीत की गई तो उनका कहना है कि देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है, थोड़ी समस्या आ जाती है, लेकिन समय जैसे ही हमें जानकारी मिलती है हम उसे दुरुस्त कराते हैं, लेकिन दुरुस्त होता है लेकिन चार दिन बाद स्थिति फिर वही हो जाती है। तो ऐसे में जरूरत है कि उन लोगों पर कार्रवाई करने की और जो इस लोग चीज को बनाते हैं और साथ ही जितने भी शहर में खराब हैंडपंप है उसे दुरुस्त करने की, ताकि इस भीषण गर्मी से एक बूंद पानी लोगों को राहत पहुंचा सके। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान हैं, जिस तरह से इस बार पारा है 50 डिग्री के करीब हो चला है तो लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह सरकार और जिला प्रशासन लगातार दावे करता है कि पानी की व्यवस्था की जाएगी तो उसकी पड़ताल करने इंडिया न्यूज़ आज पहुंचा है आईटीआई की इस कॉलोनी में, जहां पर पानी की लगातार समस्या है। आप देख सकते हो लंबी लंबी लाइनें हैं, हर महिला के हाथ में एक एक बाल्टी है और ये सब के सब लोग, ये जो नल खराब पड़े हैं इनसे काफ़ी परेशान हैं। जिस तरह से नगर पालिका ने यहाँ पर जो नल की जो पाइपलाइन की व्यवस्था की है वो भी इनको समुचित पानी नहीं दे पा रही है। हम इन्हीं लोगों से जानते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर ये जो नल है कब से खराब है और यहाँ किस तरह की पानी को लेकर समस्या है। क्या नाम है भैया आप? बहुत देर से नल चला रहे हैं। विनोद कुमार नाम है मेरा। कम से कम ये सालों से हैंडपम्प खराब पड़े हुए, कोई आता कोई नहीं आता, इनको सालों के हिसाब से पड़े हुए हैं, इनको कोई सर्ज नहीं करने आता, ऐसे ही डले रहते सालों के हिसाब से, कभी एक हो जाता कभी सही दो हो जाते, ऐसे सालों के साथ पड़े रहते हैं। खराब
खराब पड़े रहते हैं, तो ये इनका कहना है खराब पड़े रहते हैं। मैं महिलाओं से भी जानता हूँ, चूंकि पानी की व्यवस्था सबसे ज्यादा जो उपयोग है वो महिलाओं को जरूरत पड़ती है। हम महिलाओं से देखते हैं, इनके हाथ में बाल्टी है और नल के लिए लाइन में लगे हैं। माता जी ये बताइए कि ये पानी की क्या समस्या है? बहुत समस्या है भाई, सब खराब है। ऊपर तो पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, एक दो महीने से बिल्कुल नहीं आ रहा। जो सरकारी नल लगे हैं ये पानी नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसके लिए आप लोगों ने कभी कंप्लेंट करी गई है? कंप्लेंट की है। तो इनका कहना है कि कंप्लेंट तो की है लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं। मैं एक और वृद्ध महिला से पूछता हूँ, माता जी बताइए क्या दिक्कतें हो रही है? पानी की बहुत परेशानी है, कहाँ से भर है, मेरे हाथ पैर भी टूटे भाई है, हम रो रहे पीटे भाई, सही में भाई खाने सुधर नहीं, बच्चे नए कैसे चढ़ा के ले जाता है। यहाँ कुछ पुरुष भी है, मैं इनसे जानता हूँ। हाँ भाई वकील साहब, क्या दिक्कत है? अब यहाँ दिक्कत नहीं, लोगों को समस्या होगी जो भी होगी। अच्छा, तो ये आम लोग हैं, आम जनमानस हैं, जिनको आप लेकर देख सकते हैं कि जिस तरह से ये कॉलोनी है, लोग देखिए बाकायदा अपनी व्यवस्था पानी की लेकर जा रहे हैं, स्वच्छ पानी की व्यवस्था, क्योंकि सरकार का ये बड़ा दावा है कि पानी को लेकर हर तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन एक तस्वीर इटावा से जब ये आती है तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि इस तरह की समस्याएं इन महिलाओं के चेहरों पर लगातार एक दिक्कतें सामने दिखाई पड़ रही हैं। अब प्रशासन इस चिलचिलाती गर्मी में इनको कब तक निदान दिला पाती है, ये तो सवाल बनता ही है। कैमरामैन करण कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज इटावा। जिस प्रकार से लगातार आसमान से आग बरस रही है, गर्मी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा, ऐसे में लोगों को आम जनजीवन में पानी एक ऐसा मूलभूत जरूरत है जिसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इस समय कानपुर की बात की जाए तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की एक बड़ी समस्या से लोग जूझ रहे हैं, लगातार शिकायतें कर रहे हैं, अधिकारियों के चौखट के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। आज हम नौबस्ता के हंसपुरम इलाके में हैं और हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या वो समस्याएँ हैं, किस प्रकार की पानी समस्याएँ आ रही हैं और उसको कैसे सामना कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएँ भी हैं और पुरुष भी, उनसे बात करते हैं। बहन जी क्या नाम है आपका? बिमला विश्वकर्मा। क्या समस्याएं आती हैं आप लोग? समस्या है कि पानी बहुत गंदा आ रहा है। कब से समस्या आई? ये साल भर से। कहीं आप लोगों ने शिकायत की? नहीं, शिकायत किया गया है, एप्लीकेशन भी दिन गया है, अभी तक समाधान ना। एक बार आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या पर यहाँ पर लोग मौजूद हैं और लगातार जो पानी की समस्या उस पर बात कर रहे हैं। और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या वो समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? किरण शर्मा। किरण, ये बताइए किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं यहाँ पर? सर काफ़ी समस्या तो काफ़ी समय से है, करीब साल भर हो गए, गंदा पानी आ रहा है, सीवर भी है, हम मालूम है, फ़ोन कर करके भी हैं परेशान हो गए, मगर मालूम है चैम्बर वाले भी काफ़ी समय से आए, मगर लाइन भी ओवर चल रही है, आते हैं बस देख के चले जाते, कोई सुनवाई नहीं हो कुछ। कितना समय हो गया? अरे काफ़ी समय हो गया, साल भर हो गया करीब, लगातार समस्या बनी हुई। आप लोगों ने कभी शिकायत की यहाँ? शिकायत किया है, हाँ, कोई नहीं आता यहाँ पर, कोई नहीं आता, तो ये अलाउंस करेंगे पैसा दो, पैसा जमा करो, कोई कुछ नहीं होता है। पानी आता ही नहीं है, गंदा पानी? अरे बहुत गंदा पानी आता है सर, सुन नहीं पाओगे आप, इतना गंदा पानी आता है, और नल भी खराब चल रहा है पार्क का, ये नल भी खराब चल रहा है। कैसा पानी आता है? चैम्बर का भाई साहब। आप लोग कौन सा पानी पी रहे हैं, फिर कैसे इंतजाम करते हैं? भैया पाइप लाइन का जो पानी है वो कितने दिन हुए गंदा? भैया साल भर से हो गया, बहुत गंदा, जैसे चैम्बर का है। जैसे कि हम लोग ने देखा कि पानी की एक बड़ी समस्या है, हम लोग इस वक्त नौबस्ता के हंसपुरम इलाके पर हैं, करीबन एक साल होने को है जो सीवर का गंदा पानी आ रहा, अभी तक किसी प्रकार से कोई अधिकारी यहां पर नहीं आया, ना ही कोई पॉलिटिशियन आया है। हालांकि चुनाव के समय अक्सर वोट मांगने आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उसका जीता जागता उदाहरण आप ज़मीनी हकीकत देख सकते हैं कि यहां पर लगातार एक साल से लोग परेशान हैं, गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, लगातार बीमारियाँ हो रही हैं और लोग बीमार हो रहे हैं, लगातार अधिकारियों के चौखट के चक्कर भी काट रहे हैं, लेकिन शिकायतें भी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने वाला नहीं। देखना ये होगा कि कब प्रशासनिक अधिकारियों की आँख खुलती है और उनकी कुंभकर्णी नींद टूटने के बाद यहाँ पर अधिकारी आते हैं और इस समस्या का समाधान करते हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज कानपुर। पूरे देश में पानी की किल्लत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई में भूमि स्थल है, जो जल स्थल है, बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कुछ शहर ऐसे हैं जहां पानी की बहुत खासी किल्लत है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो हैंडपम्प है,
बस ये लगाने के लिए हैंडपंप है, अगर ये महिलाएं चला रही है इसमें पानी निकल रहा है, आप एक बार चला के दिखाइए, देखिए जो जो यहाँ का हैंडपंप में जो भूमि जो जल है बिल्कुल समाप्त हो चुका है, कहीं ना कहीं जो नोएडा का जल स्तर है बिल्कुल खराब हो चुका है, कहीं ना कहीं जो नोएडा का जल स्तर है वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। आप देखिए हैंडपंप जो ये यहाँ के विधायक द्वारा लगवाया गया था मगर अब इसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि लगातार जो पानी की समस्या है प्रदेश भर में बढ़ती ही जा रही है। और हम इन लोगों से बात करेंगे कि पानी की समस्या को लेकर किस तरीके से ये सामना करते हैं। आप बताइए मैम, पहले आप बताइए किस तरीके से जब पहले यहाँ पानी आता था अब पानी की किल्लत हो रही है? बहुत ज़्यादा ही पानी की दिक्कत है, ऊपर चढ़ता नहीं है क्योंकि प्रेशर ही नहीं रहता पानी का, और इसमें तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा है पानी। सरकारी नल लगा हुआ है काफ़ी दिन से पर इसमें पानी नहीं आता है। कभी पानी जब नहीं आता तो हम लोग यहाँ से भर लेते थे पहले, लेकिन अब वो भी नहीं आता है तो दिक्कत है। पानी भर के कितना रखेंगे घरों में? तो ये बताइए कि सप्लाई का जो पानी आता है सुबह और शाम, अगर बिजली नहीं आती तो कितनी समस्या होती है? बहुत ज़्यादा समस्या होती है। हम यहाँ पहले हम जब 71 में आए थे तो पहले पानी आता था यार, 10 साल से पानी बिल्कुल सारे नलों में, सरकारी नलों में सारा बंद हो गया है। पानी होना चाहिए, हमें ज़रूरत पड़ता है, कुत्ते हैं बिल्ली है पक्षी है, पानी रख दो भर के कोई भी पी लेता है, चलने वाला आदमी भी मतलब अपना चला कर पानी पी सकता है ना, अब घर में कोई पानी मांगने जाएगा नहीं, तो इसलिए पानी ज़रूरत है सरकारी नलों में। देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि जो पानी की समस्या बहुत अधिक है और कहीं ना कहीं जो सरकारी जो नल हैंडपम्प है इसमें पानी होना चाहिए। आप बताइए कि जो पीने का पानी आता है सरकारी जो आता है, ये क्या पीने योग्य होता है? नहीं, पानी पीने योग्य नहीं है, उसके लिए हमें आरओ का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये बताइए अगर घर पे कोई नहीं होता तो पानी की समस्या होती है तो फिर कैसे बच्चों को अगर प्यास लगती है तो कैसे करती है? आस पड़ोसों से मांगना पड़ता है, कहीं दूर दूर जाना पड़ता है, इसके लिए हमें बहुत दिक्कत होती है। आप बताइए, आप तो गृहिणी भी हैं, घर का जो काम होता है पानी के बिना, चाहे सब्जी बनाना हो चाहे रोटी बनाना हो, कैसे समस्या ये ख़त्म होगी? अब जब यहाँ पानी ही नहीं है तो कैसे मतलब करेंगे? ऐसे कम से कम अगर हैंडपम्प रहेगा या समर रहेगा तो हम कुछ तो मतलब यहाँ से ले जाके कुछ सब्जी है धुलना है कुछ जो भी एक्स वाई जेड है जो मतलब हम तो काम कर ही सकते हैं। और यहाँ के लिए मंदिर के लिए हम घर से आए, मतलब पानी नहीं मिल रहा, कम से कम यहाँ से लेके मंदिर में कुछ भी कर सकते, धुलाई कर सकते, भगवान के लिए जल चढ़ा जाए कुछ भी मतलब कर सकते हैं, इसलिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए जो समस्या एक नहीं है, समस्या बहुत है। अब बात करते हैं पुरुषों से, सर ये बताइए जिस तरीके से पानी की किल्लत होती जा रही है पूरे देश में, अगर बात करें हम नोएडा की तो यहाँ भी आए दिन पानी की किल्लत दिखाई देती है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? यहाँ तो जो है रोज़ पानी की दिक्कत होती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है कि लाइट नहीं आई तो पानी नहीं आएगा, प्रेशर कभी ऊपर नहीं चढ़ता है, कभी नीचे पानी नहीं आया, कभी गंदा आ गया पानी, मतलब पीने योग्य है नहीं किसी भी तरीके से। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आता है और घर में पानी मांगने जाता है तो कोई देता है कोई नहीं देता है, तो आज के टाइम में 44 और 48 डिग्री टेम्परेचर में वो व्यक्ति पानी कहाँ पिएगा, क्या होगा? बहुत से जो है दिक्कत ये है कि अब यहाँ पानी के एक दो नल लग जाता है या ये ठीक हो जाता है तो समस्या का कुछ समाधान हो सकता है। देखिए इनका जो कहना है कि जो गर्मी का तापमान है वो भी बहुत अधिक है, अगर रहा चलता कुछ किसी को प्यास लगती है तो अगर हैंडपम्प ये ठीक होता कहीं ना कहीं उसकी प्यास बुझ जाती। इंडिया न्यूज़ में महेंद्र माही, नोएडा।